सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी प्रवेशिका का प्रश्न 32। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। डेट क्या है आज बेटा? 31.8.20 and C.W। रंगीन वर्णों पर ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा है, उसको लगाना है हमें। रंगीन, देखो ये जो शब्द हैं, जो ये वर्ण हैं, व्यंजन, इन पे हमने मात्रा लगानी है। दा तु, ता ता तु, नु, बु, बा बा बु, ल, बु, ल, तभी शब्द बनेगा ना। ऐसे तो ये फट बाल लिखा हुआ है, तो फट बाल तो नहीं होता बेटा। फु फ फ फु ट बाल, पु प प पु, ल पुल, सराही नहीं होता, क्या होता है? सु स स सु राही, लु लटिया नहीं, लु ल ल लु टिया। अब क्या है ये? बट्टा आ, लेकिन मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाएगा ये? ब तु आ, गु ग ग गु, लाब, दकान, दकान युक्त बच्चा क्या होता है? दु, आप बोलोगे तो पता चल जाएगा आपको, दु कान। सु ब ह, सुबह। गु, मात्रा लगा के शब्द पढ़ो, गु डी या। सा दु, दु सा दु। ओके बेटा, वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाओ। अब इसमें उलट पलट कर शब्द दिए हुए हैं, उनको आपने सही क्रम में लगाना है, ठीक है बेटा? ल बु ल बु, तो हम क्या करेंगे, पहले बु ल बु ल, बुल बुल, बु ल बु ल, बुल बुल, इनको हमने सही शब्द बनाना है। लागूप, लागूप तो कुछ भी नहीं होता, गु ला ब, तो पहले क्या लिखेंगे? गु ला ब, गुलाब। रा म थु, क्या होता है? कुछ नहीं ना, तो अब क्या बनाएंगे हम? म थु रा, म थु, थ के ऊपर छत नहीं आएगी, म थु रा। नार सु, नहीं, क्या बनता है? सु नार, सु नार। नेक्स्ट क्या है? ल पु, नो पु ल, यस पु ल, यस बेटा। ज मु, म म मु, ना जमुना। बस शब्द आगे पीछे आपने उनको एक क्रम में जोड़ना है, ठीक है? नेक्स्ट है, चित्रों को पहचान कर नाम के साथ सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे तो मिलान अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है बेटा? पिक्चर तो आपको पता है, लेकिन शब्दों को आपने रीड करना है। पहला शब्द क्या है? गुलाब। अब आप चित्र देखो, गुलाब का कहाँ है? गुलाब, यस, तो गुलाब के साथ आप मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, सुराही, सुराही। अब आपको पिक्चर्स को देखना है और सुराही को ढूंढ के उसके साथ मिला देना है, सुराही। नेक्स्ट है, बगुला, बगुला, बगुला कहाँ रहता है? पानी में, ये देखो वाटर है, बगुला। चूहिया, तो चूहिया कहाँ है? हमारे सामने, यस।
कछुआ को चित्र के साथ मिला दीजिए। नेक्स्ट क्या है? गुड़िया। ये तो बहुत ही आसान है ना बच्चा। तो आपने ये मात्रा लगानी है इसमें, इसको ठीक क्रम में लिखना है और पार्ट फोर में अपने चित्रों के साथ शब्दों को मिलाना है। ओके बेटा, बाय।